वेलकम बैक टू द चैनल टू डैम बैक विद माय न्यू वीडियो। तो आज हमारा नया ब्लॉग और हम जा रहे हैं मथुरा। शुरू करते हैं आज का दिन। फिर हम हो गए रेडी, ये हमारा आउटफिट। हम शुरू करते हैं यहाँ से। ये है साथ में यार जू, जो बोल रही थी वेलकम गुन्नू। कुछ न्यू थी। कम बैक टू द न्यूज वुमेन। Guys, finally we are back to basic and we are reached at New Delhi. Guys, कुछ लोगों का काम कुछ नहीं होता, सिर्फ साथ में हाथ पकड़ने का होता है। देखो थैला मैंने पकड़ा हुआ है। तो अभी हम आ गए न्यू दिल्ली, यहाँ से हम लेंगे ट्रेन और फिर हम बढ़ेंगे आगे। गाइस हम स्टेशन पे पहुंच गए हैं, तो पीयूषी है हाथ में मेरे, मैगी खाएंगे। पापा मम्मी आ गए हैं और ये आरजू और मैं हैं। गाइस हम ट्रेन में बैठ गए। तो गाइस हम ट्रेन में बैठ गए हैं। मम्मी मैं मथुरा आ गया। तो मैं आपको भी टूर दूंगा, ठीक है, मतलब अच्छे से गाइड कर दूंगा, कहाँ उतरना है कैसे उतरना है सब बता दूंगा। देखो सबसे पहले आपको न्यू दिल्ली से बैठना है, ठीक है, आपकी जो ट्रेन होगी जो आपने बुक करी होगी वो आप पहुंचोगे मथुरा जंक्शन। मथुरा जंक्शन उतरने के बाद ना सबसे पहले नीचे उतरना है, ऑब्वियसली बाहर निकलोगे। उसके बाद जो तुम टेम्पो लोगे ना उसके रेट होंगे हवा में, तुम्हें कहाँ आने नीचे, ठीक है। पापा ने नहीं बताया, मेरी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तुमको ना मतलब कि रेट आने नीचे कैसे बोल के, वो बोलेगा 110 रुपये 120 रुपये और तुम्हें क्या बोलना है, नहीं भैया बस 30 रुपये, ठीक है। अब तुम देखना मेरी कैच कितनी फेमस पॉपुलैरिटी है, ठीक है, देखना सारे मेरे से बात करेंगे, देखना। देख रहे हो मजा आ गया। ये देखो एट द एंड में आके ना तुमको यहाँ से एक टेम्पो लेना है, ठीक है। इस टेम्पो में बैठ जाओगे ये बोलकर, जन्मभूमि। हाँ जन्मभूमि, पापा जी क्या बोल रहे हैं, जन्मभूमि बोल के एक टेम्पो में बैठ जाना और तुम वहाँ पहुंच जाओगे। उसके ये है एंट्री, यहाँ से आपकी एंट्री हो जाएगी। यहाँ से पूरी प्रॉपर चेकिंग वगैरह होते होते हम लोग अंदर जाते हैं। गाइज जाने का प्लान तो था अंदर फोन लेके, लेकिन मना हो गया, तो अब हम फोन रख नहीं सकते हैं, फोन ऑफ करके जमा करना पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखना अगली बार से फोन मत यूज करना, मुझे ही यूज करते हो पकड़ लिया, ठीक है। तो मैं रख रहा हूँ उसको, बाद में मिलते हैं मंदिर में जाने के बाद। लेकिन एक बात का ना हमेशा खास ध्यान रखना, कभी भी यहाँ पर आओ तो पहले अपना फोन वन जमा करा देना। वहाँ पे जब तुम जाओगे तो वहाँ पर ना लेडीज काउंटर होता है, वहाँ पे सारा लेदर वगैरह का जो होता है ना जमा करने का, तुम वो जमा कर सकते हो। और उस साइड में मतलब दो तीन काउंटर होते हैं, एक तुम्हारा फोन का होगा, तुम्हारा बैग का होगा, हर चीज के आइटम के लिए ना तुम्हें 2 रुपए जमा करने पड़ते हैं। और अंदर जाने से पहले सारा अपना बेल्ट वगैरह शूज वगैरह, शूज तो खैर अंदर ओपन रहते हैं, लेकिन गलती से भी यहाँ पे फोन मत अंदर ले जाना। तो भाई हमने ये लगवा लिया है राधे राधे राधे, तो अभी हमने यहाँ के दर्शन कर लिए हैं कृष्ण जन्मभूमि के। तो इसके बाद हम देखते हैं कहाँ जाएंगे, तो फिर ध्यान। गाइज आप लोग जब आते हो मथुरा में तो देखते हो ना कि इससे पहले भी एक वहां पर बड़ा सा मंदिर बना हुआ है, उससे पहले का ये है कंस का कारागार। आप जब भी यहाँ पर आओ ना तो एक बार यहाँ पे लोगों से पूछ के जरूर देखना, ये वाला ओरिजिनल है। यहाँ पे पंडित जी ने इसके बारे में बहुत सारे लोगों को राज बताए, तो होप आप समझे होंगे, लेकिन एक बार यहाँ पे आके जरूर देखना, ठीक है, ये क्या है। गाइज जो लोग मथुरा आते हैं ना उनको यहाँ के बारे में बहुत कम पता होगा। ये था सबसे पहला कृष्ण जी का जन्म स्थान जहाँ उनके पहली बार चरण पड़े थे। तो गाइज फिर हम अभी कृष्ण जन्मभूमि घूम लिए हैं, उसके हम बाद जा रहे हैं अब गोकुल। तो गोकुल में दिखाते लाइक कैसे क्या होता है, तो बने रहना ब्लॉग के साथ। हम आ गए हैं गोकुल में,
करके चलो, ये मंदिर है तो हम मिलते हैं दर्शन करके। ओके, ये देखो ये है गोकुल की गलियां। यहाँ की हर एक दीवार कृष्ण जी से, उनकी गौ माता से, ये सब ऐसे ही बना हुआ है यहाँ पे। अभी हमने यहाँ पर एक गाइड ले लिया है जो हमको गाइड सब सिखाएंगे करना, कैसे करना है कैसे नहीं करना। अपने यशोदा मैया की जय, नंद बाबा की जय, तारी बजाओ राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। पानी के बाद के पीने आगे पूरा गांव है, कहते हैं कोलो कोलो करे पुकार, कहते हैं यमुना पार, यहाँ पैर की चप्पा हाथ की लकड़ी बात से भी उस पार थोड़ी है, तो यमुना पार करने लगे, तो यमुना ने चरण बहुत सुना होगा ना, गोकुल की गलियां गोकुल की गलियां। तो ये हैं गोकुल की गलियां, देख लो जहाँ के सुकून, इतनी भीड़ है उसके बाद भी पीस इतना है ना, पूछो मत। गाइस ये है यमुना नदी, हम सुबह सुबह कृष्ण भूमि भी घूम लिए और अभी हम आए थे द्वारिकाधीश घूमने, तो यहीं पर है ये यमुना नदी। इससे पहले हमने बोटिंग की थी, इस बार नहीं कर रहे हैं, इसको बड़ा शौक है करने का। मैम सॉरी, द्वारकाधीश के दर्शन, ये हमने ये प्रसाद, मम्मी देखो क्या चढ़ाई कर रही है। गाइस तो फिर अब हमने द्वारकाधीश के वो कर लिए, दर्शन कर लिए, तो अब हम जा रहे हैं गोवर्धन। यहाँ से गोवर्धन एक घंटे का रास्ता है, तो भी हम बस से ट्रेवल कर रहे हैं, फिर वहाँ पहुँच के दिखाते हैं कैसा क्या है। तो आपको ना मैं एट दी एंड सब बताऊंगा, लाइक कैसे क्या ट्रेवल होता है कैसे नहीं। अभी तो मैं बस में हूँ, यहाँ से बस में कम से कम आपसे लेकर 30 से 40 रुपीज और आपको छोड़ देगा गोवर्धन। तो मैं आपको बताता हूँ एंड में, पहले हम थोड़ा घूम लेते हैं। ओके, खराब हो गई है। तो गाइस हम पहुँच गए हैं गोवर्धन, और गोवर्धन आते ही सबसे पहला मंदिर जो हमको दिखा वो है ये, नाम तो मैं भी जान नहीं पा रहा बट बहुत प्यारा है। ये अंदर ले जाने से पहले कुछ प्रसाद देना पड़ता है, वो प्रसाद ले रहे हैं, फिर इस प्रसाद को लेकर हम जाएंगे मंदिर में। तो भाई फाइनली हमारा आज का डे खत्म होता है, मतलब हमने ना, मतलब मेरी पूरी फैमिली ने बड़ी वाली परिक्रमा तो एंड कर ली, जो कि थी मेरी 11 किलोमीटर की, टोटल ने 22 किलोमीटर की होती है, तो हमने ना 22 में से 11 किलोमीटर वाली बड़ी वाली परिक्रमा, मुझे बोलना नहीं आ रहा, तो वो वाली हमने अभी कंप्लीट कर ली है। लेकिन उसके बाद जो होती है ना 9 किलोमीटर वाली, उसके लिए हमें हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है। देखो कंडीशन, देखो क्या हाल चल रहा है, ठीक है। तो अभी हम, हमारा ये प्लान है कि अब जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो करेंगे जो बचा हुआ है ना उसको। तो अब चलते हैं घर पे, और घर जाके थोड़ा रेस्ट करने के बाद उस बातें बताऊँगा, उसका वेट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग गाइज। और मैंने इस ब्लॉग में ना कोशिश की कि मैं जहाँ जहाँ घूमा हूँ मैंने उस चीज़ की डिटेल दी है, लाइक कभी जाता है कोई इस जगह पर तो उसको दिक्कत ना हो, तो मैं अब से ऐसे ही करूँगा। बाकी अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो ब्लॉग को लाइक कर दो और कमेंट कर दो, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो से जल्दी से।